वन राइस ऑफ टू नेम। ये माँ थारा तारिणी टेम्पल, माँ काली जाई, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर्सी के। एक्चुअली मैं छुट्टी पे था लास्ट टाइम, अभी एक पूरी वाला वीडियो आया था। तो अभी क्या है कि अभी न्यू ईयर के बाद अभी फैमिली के साथ एक ट्रिप भी प्लान पहले से था, तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किए थे। फिर डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे तारा तारिणी टेम्पल, ब्रह्मपुर का फेमस तारा तारिणी टेम्पल। तो उसके बाद फिर हम कालीजाई टेम्पल जाएंगे, जो कि चिलिका में पड़ता है, चिलिका के पास। तो जो कि ये थोड़ा सा दूर, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था हमारे घर से। जैसे कि मेरे घर से तारा तारिणी जो टेम्पल है ये लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे है, और ये जो चिलिका जो है ये लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो चिलिका से 50 किलोमीटर का ये तारा तारिणी टेम्पल। तो हम लोगों ने क्या किए थे, पहले थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, तो हमने साढ़े चार बजे निकल के शुरू किए थे। तो अभी क्या कि उस टाइम मैंने वीडियो बना नहीं पाया था, इतना अंधेरा था। अभी ठंड का मौसम है तो अंधेरा ज़्यादा था, तो गाड़ी के अंदर थे, कहीं रुके नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा रास्ता थोड़ा क्लियर था। फिर हम रास्ते में आए, थोड़ा एक दो घंटा आने के बाद थोड़ा चाय पी लिए थे, उसके बाद फिर हम अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी। तो यहाँ से अभी हमें आधा घंटा लगेगा, 25 किलोमीटर करीब है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ रुके हुए हैं अभी थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली मेरे साथ मेरे पूरे फैमिली आ रखे हैं, ओनली मेरे पापा नहीं आए हैं, क्योंकि पापा को कुछ काम था तो इसलिए पापा नहीं आ पाए। तो बाकी जैसे कि मैं, मेरे मम्मी और मेरे दो बड़े भाई और उनके दो, मतलब वाइफ, दो भाभी और बड़े भाई का एक छोटा सा बेटा, बस हम इतने सारे लोग आए हैं। यहाँ का जो रास्ता है देख सकते हैं, मतलब ये दोनों साइड जंगल जैसा है। हाँ, जंगल ही है, दूर दूर तक पूरा जंगल ही है, इस साइड में भी। बस रास्ता और जंगल ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक है, आराम से आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, बस हम आराम से आ रहे हैं। पर जैसे कि मैंने बोला था कि 250 किलोमीटर है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, 4-5 घंटा तो लग ही जाएगा, चाहे आप कितना भी स्पीड में आ जाओ, क्योंकि बीच बीच में रुकना तो पड़ रहा है। तो अभी हम बस गाड़ी यही है, हमारा बेटे का खाना अभी हो गया है, देख सकते हैं अभी, फिर उसके बाद हम अभी फिर निकलेंगे। देखो फोटोशूट चल रहा है। अभी हम लोग आके ये तारा तारिणी जो हिल है टेंपल के पास हम पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, उस रास्ते से जाना पड़ेगा हमें। ये है मेन गेट, पर ये है कि यहाँ से गाड़ी आगे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, हमें यहाँ पे पार्किंग करना पड़ा। पार्किंग से हमें 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ आप इनके पास, इनका जो फैसिलिटी, बस फैसिलिटी है, इसमें बैठ के आपको जा सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मतलब दिखाता हूँ, देखिए न्यू ईयर के लिए यहाँ पे, यहाँ से अगर आप जो प्रसाद वगैरह अगर चढ़ाना पड़ेगा तो आपको यहीं से लेके जाना पड़ेगा, और अंदर आपको नहीं मिलेगा कुछ। जो ये देख सकते हैं, लोग भी आ रखे काफ़ी, तो भीड़ तो है ही। ये है एंट्री गेट, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ से आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, आपको बाईपास जाना पड़ेगा, इस रास्ते से जाके वहाँ से आप आगे से ले सकते हैं। तो प्रसाद वगैरह जो भी यहीं से लेके जाना है। चलिए देखते हैं, देखिए कितना भीड़ है, काफ़ी लोग आ रखे हैं न्यू ईयर के लिए। नॉर्मली इतना भीड़ होता नहीं है, अभी न्यू ईयर का सीजन चल रहा है तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। बस में जाने के लिए यहाँ से टिकट काटना पड़ेगा, यहाँ से टिकट लेके आप तभी लोगे, तभी जाके आप बस में बैठ पाओगे। चलिए देखते हैं यहाँ का क्या, कैसे टिकट का सिस्टम है। तो यहाँ का जो है, अभी मैंने पता किए, तो जाने आने का टोटल 30 रुपया पर हेड, तो हम छः लोग हैं, तो यहाँ आपको 180 रुपीज़ पड़ जाएगा। 7 साल से ऊपर है तभी आपको टिकट लगेगा, उससे छोटे हैं तो टिकट नहीं लगेगा। चलो हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए घाट रोड बिगिंस, यहीं से घाटी वाला जो रोड होता है यहीं से स्टार्ट होता है। आगे देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वे टू तारा तारिणी टेम्पल, ठीक है। तो अभी हम इस बस में बैठेंगे, बस रेडी हो चुका है, अब इसमें बैठेंगे तुरंत निकल जाएंगे। चलो आ जाओ। ये हम लोग बस में बैठ चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें सीट नहीं मिला, तो हम खड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि नेक्स्ट बस के लिए वेट करें। हम यहाँ जितना जल्दी ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट हम आगे फिर वही चिलका जाएंगे, इसलिए हम खड़े जा रहे हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2 किलोमीटर है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, इसलिए हम खड़े जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऊपर।
हम लोग पहुंच चुके हैं बस से आके ऊपर पहुंच चुके हैं। ये है जो मंदिर है माँ तारा तारिणी, मतलब तारा अन तारिणी, ये दो बहन हैं जो जी मुझे इतना पता है, दोनों का मंदिर एक ही साथ है। तो ये है वो माँ तारा तारिणी मंदिर। फिर थोड़ा नीचे का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ, नीचे का व्यू। अभी एक्चुअली हम बहुत ऊपर है पहाड़ पे, बहुत ही ऊपर है, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। प्रसाद वगैरह अगर कुछ लेके आओगे तो छुपा के रखना है, मोबाइल वगैरह छुपा के रखना है, नहीं तो ये लेके चले जाएंगे। ये देख सकते हैं जो नीचे का व्यू है, देखिए कितना कितना ऊपर हम आ चुके हैं। अभी जो कि फग बहुत ज़्यादा है इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए फिर थोड़ी अभी मंदिर के अंदर का दिखाता हूँ आपको। ये है जो मेन एंट्री, यहाँ से है। तो इधर से होते हुए हम आगे जाएंगे। हम एक्चुअली पीछे की तरफ से आए थे पहले, हमें लग रहा था कि वो वाला मेन गेट है, पर मेन गेट इस साइड में है। नारियल यहाँ पे तोड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिया जला सकते हैं। यहाँ से देखिए छोटे बंदर ये बड़े मजे से खेल रहे हैं। ये देखिए नीचे का व्यू बढ़िया लग रहा है ना। ये माँ तारा तारिणी टेम्पल। तो हम अभी मेन हमारा नारियल हमने फोड़ दिया वगैरह लगाना था वो हमने लगवा दिया वहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से मेन गेट जो है यहाँ सेंटर करेंगे। देख सकते कितना भीड़ है यहाँ, मन्नत वगैरह मांगना है तो यहाँ पे मन्नत मांग के यहाँ पे धागा मांग सकते हैं। चलिए ये कितना भीड़ है, लोग चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं। अंदर जाएंगे, ये जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर अंदर जाने का रास्ता जो ये है, यहाँ से जाएंगे। चारों तरफ भी छोटा छोटा है ऐसे बहुत कुछ। चलो मेन मंदिर के अंदर चलते हैं। थोड़ा सा भीड़ था पर इतना भी ज़्यादा नहीं था, दर्शन हो गया माँ का। पर मंदिर के अंदर जैसे कि पता है आपको, हर सारे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैंने अंदर का दिखा नहीं पाया। अभी जस्ट तुरंत दर्शन हुआ, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत बस 5 मिनट के अंदर दर्शन भी हो गया। उसके बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं अभी पूरी फैमिली। अभी देखते हैं क्या है, मंदिर का एक चक्कर लगाएंगे, उसके बाद फिर फोटो वोटो थोड़ा शूट करके फिर यहाँ से चिल्का के लिए हम लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो नारियल था उसको बंदर ने ले लिया था। देखिए यहाँ पे नारियल तो खा नहीं पाया, केला खा के चला गया, नारियल फेंक के चला गया था। चलो फाइनली नारियल मिल ही गया। देखिए माता नरसिंह जी, यहाँ पे देखिए छिन्नमस्ता जो एक्चुअली उड़िया में लिखा हुआ है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। श्री मार्तंड भैरव सूर्य नारायण धूमावती, ऐसे चारों तरफ यहाँ पे लिखा है। चामुंडा इस साइड में लिखा है, बगलामुखी, मातंगी, माता कमला। हाँ सर, आईडी कैसे, श्री नारायण। ये देखिए अभी फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है, फोटो वोटो जो भी जितना भी खिंचवाना था खिंचवा सकते चुके हैं। अभी मेरे पीछे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं मेन एंट्री मंदिर सब कुछ होने के बाद अभी हम अभी वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर यहाँ से जाने में हमें कितना 1.5 घंटा करीब लग जाएगा, चिल्का जाएंगे, चिल्का भी घूमेंगे। चलिए फिर आगे दिखाता हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 1:30 बज रहा है। तो हमने तारा तारिणी से आ चुके हैं, करीब चिल्का के करीब हो चुके हैं। यहाँ से अभी मैक्सिमम शायद 10 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो हमें काफ़ी भूख लग रहा था तो हमने सोचा कि खा लेते हैं पहले, क्योंकि चिल्का में फिर जाएंगे तो फिर कालीजाई टेम्पल के लिए जाएंगे तो वहाँ खा नहीं पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा रास्ते में रुक के पहले खा लेते हैं, लंच करते हैं, फिर आराम से जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे नहीं, पूरा कालीजाई टेम्पल अंदर तक चले जाएंगे डायरेक्ट। तो बैठे हैं अभी। ये हमें मिल गया था एक रोड साइड में एक होटल, मीडियम टाइप ठीक ठाक है। तो अभी हमने चिकन का ऑर्डर किया है, चलो अभी खाना आ जाएगा, खाते हैं। फिर खाने के बाद
फिर यहाँ से निकलेंगे। चुके हैं बड़कुल पांथ निवास में पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है पांथ निवास उड़िया में लिखा है बड़कुल। यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो, बोट बुकिंग कर सकते हो। अगर OTDC काउंटर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट का बुकिंग चार्जेस 106 रुपया पर हेड होता है, पर उसमें 35-40 पैसेंजर होने के बाद ही वो जाएगा। नहीं तो आप प्राइवेट बुकिंग के लिए लेफ्ट में जाके उस साइड में थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे प्राइवेट बुकिंग करके आप जा सकते हैं। ये है, यहाँ से हम हमारा ट्रिप शुरू करेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बड़कुल, बड़कुल पांथ निवास के पास पहुंच चुके हैं। तो यहां से भी आप जा सकते हो, नहीं तो बालू गांव से भी आप जा सकते हो। तो हम जैसे कि आ रहे थे तारा तारिणी के साइड से, तो हमें बड़कुल जो है थोड़ा नज़दीक पड़ा, तो हम इस रास्ते से चले जाएंगे। तब अब अंदर आए बुकिंग के लिए, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट का बोट था वो ख़त्म हो चुका था, 2 बजे तक होता है उनका शायद, तो हम आने से पहले वो ख़त्म हो गया था, बोटिंग मतलब सारे बुक हो गए थे। तो उसका जो प्राइस होता है पर हेड 106 रुपया होता है, वो आपको लेके भी जाएगा और वापस भी लेके आएगा, आधा आधा घंटा ऐसे कुछ होता है। पर अभी जैसे ख़त्म हो गया था, तो हम लोग क्या किए, अभी प्राइवेट में बुकिंग करना पड़ा हमें। अभी क्या है कि एक बोट जो प्राइवेट का है, उसमें एक बोट का प्राइस जो है वो 1200 का पड़ रहा है। 1200 में आप अगर 2 आदमी हो या 4 आदमी हो, कितने भी हो, आपको 1200 ही देना पड़ेगा। अगर 12 लोग हो तो भी आपको 1200 देना पड़ेगा। तो हमारे तो 7 लोग थे, बाकी हमारे साथ एक कुछ बाकी लोग भी आए थे, उनके भी 5 लोग थे, तो हमने मिक्स कर दिए, तो हमारा हो गया टोटल मिला के, हमने उन्होंने आधा पे कर दिया, हमने आधा पे कर दिया, तो हमारा बोट बुकिंग हो गया। यहाँ से अभी हम जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बोट का माँ कालीजाई मोटर गंगा मालिक संघ, ये हमारा बोट बुकिंग हो चुका है 1200 रुपया। ये अभी हम जाएंगे सीरियल। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, 1 rice of 2 name, मतलब एक चावल के अंदर 2 नाम। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बना रहे चावल, बना रहे ये देखिए चावल के ऊपर नाम लिखा जाता है, इसमें जो आप नाम बताओगे वो नाम आपको लिख के दे देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, ये देख सकते हैं इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे है। ऑन पेमेंट बेसिस आपको बुक करने के लिए ये नीचे दिया हुआ है नंबर, दिया हुआ है इंक्वायरी या फिर जो भी बुकिंग का है, आप इनसे बात करके आप बुकिंग कर सकते हैं और मज़े भी ले सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स जितने भी हैं सारे ले सकते हैं, एक एक करके ले सकते हैं, कॉम्बो जो भी आपको मर्जी आप ले सकते हो। इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स होता है सब इसी एरिया में होता है। यहाँ से देखिए इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से भी एक एंट्री है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप इजीली वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स है ये वाला एरिया, मेरे हिसाब से यहाँ पे लहरें भी ज़्यादा नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, अच्छा है, सेफ्टी भी है। आप रात को रुकना चाहे तो आप आराम से रुक सकते हैं, बोटिंग के लिए आराम से सुबह निकल के भी जा सकते हैं। AC नॉन AC सब कुछ यहाँ पे रूम आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट वेज नॉन वेज सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये इतना बड़ा पांथ निवास है यहाँ पे, तो आप बुकिंग करके यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, एक दिन 2 दिन जो भी आपका ट्रिप होगा आराम से आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे है, तो ये सारे वाटर स्पोर्ट्स का भी आप मज़े ले सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोग जमा हुआ है, बहुत भीड़ है, चलो देखते हैं अंदर से हमें बोट मिल जाएगा। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा बस, अच्छा यहाँ से हमें बोट मिल जाएगा। ये रहा बोटिंग पॉइंट यहाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा बोट रखा हुआ है, जो जैसे बुकिंग हुआ है हम अभी आगे जा रहे हैं, उनके लोग हैं यहाँ पे, तो उनको दिखाएंगे, तो फिर वहाँ से हम बैठ के आगे जाएंगे कालीजाई टेम्पल के लिए। चलो, ये हमारा जो बोट नंबर 113 है, ये बोट हमें अलर्ट हुआ है, अब इसके ऊपर अब चढ़ के हम जाएंगे एक एक करके। ये जो हमारे साथ वाले जो फैमिली वो लोग जा रहे हैं, उसके बाद हम भी जाएंगे हमारे फैमिली वाले, इसमें बैठ के फिर हम अंदर जाएंगे। अब एक एक करके चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी भीड़, बोट यहाँ पे बहुत भरे हुए हैं। चलो बहु आराम से जाओ, चलो जल्दी।
अगर आप लोग ब्रह्मपुर के साइड से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा तो कि आप बर्डपुर का जो पंथरेवास है वहाँ से आप ट्रैवल करें तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से कालीजाई टेम्पल जो है बहुत नज़दीक है और आप जल्दी पहुँच सकते हो, जल्दी आ सकते हो। नहीं तो अगर आप भुवनेश्वर के साइड से आ रहे हो तो आपको बालूगांव पहले पड़ेगा, तो आप वहाँ से जा सकते हो, नहीं तो बर्दपुर से भी जा सकते हो। बालूगांव से बर्दपुर ज़्यादा दूर नहीं है, पर बालूगांव से जाओगे तो डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, चार्जेस भी मे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं बालूगांव गया नहीं तो मुझे पता नहीं है। जैसे कि हमने अभी 1200 रुपया पेमेंट किया है, एक प्राइवेट बोट ले लिया हमने, तो यहाँ से जाएंगे आप कितने भी लोग हो, मतलब 12-15 लोग तो जा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर 2 लोग हो तो भी आपको 1200 देना पड़ेगा, 15 लोग हो तो भी आपको वही 1200 रुपया देना पड़ेगा, इतने पैसा लेके आपको जाना पड़ेगा। अभी इसका क्या रूल है जो आप अभी लेके जाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से आधा घंटा लगेगा कालीजाई टेम्पल पहुँचने में, तो आधा घंटा वहाँ पहुँचने में, फिर आने में आधा घंटा, और वहाँ पर ये आधा घंटा करीब आपको टाइम देंगे कि आप घूम सकते हो या फिर मंदिर दर्शन जो भी करना है आधा घंटा, मतलब मान लो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपका सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी बस अभी जस्ट हमारा शुरू हुआ, अभी 3 बज रहा है, तो हमारा जो टाइमिंग था मेरे हिसाब से सही रहेगा, हमें जल्दी जल्दी मिल गया, इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ा। तो हम अभी 5 बजे तक या मैक्सिमम 5:30 तक वापस आ जाएंगे, तो अभी काफ़ी टाइम हमारे पास रहेगा, घर लौटने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बस आराम से हम जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कैसे जाना है आपको। अगर गवर्नमेंट वाला जो है 2 बजे से पहले आपको बुक करना पड़ेगा, और उसमें है कि आप अगर एक आदमी हो तो एक टिकट बुक कर सकते हो, जितने आदमी उतने टिकट बुक कर सकते हो, और जाने आने दोनों का मिला के 106 रुपया लेते हैं। पर वो अभी क्या है कि हम आए तो 3 बज चुका है, अभी थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हमारा गवर्नमेंट वाला बोट खाली नहीं था, नहीं हो पाया। देख सकते हैं यहाँ पे ये झील बोट, वहाँ से कितना सारा बोट है। आप ये लाइफ जैकेट तो यहाँ पर टांग के रखा है, हमें पहनने के लिए दिया नहीं, शायद इतना जरूरत नहीं पड़ रहा है। पानी अभी कम होगा क्योंकि अभी मतलब बारिश का मौसम था, नहीं है पानी शायद कम होगा, इसलिए लाइफ जैकेट अभी दिया नहीं है। बस ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये देखिए पानी को चीरते हुए हमारे नाव आगे बढ़ रहा है। ये देखिए सामने एक पहाड़ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ज़्यादा इतना नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूरी पे है। तो ये जो एरिया है ये इंडियन नेवल का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे होता है। पहले हम उस रास्ते से चले गए थे पर वहाँ से एंट्री नहीं था, तो गूगल मैप जो दिखा रहा था हम उस तरफ चले गए थे। तो ये है वो एरिया, यहाँ पे नेवी वालों का ट्रेनिंग होता है, पर हम यहाँ से फिर थोड़ा लेफ्ट जाके हम जाएंगे कालीजाई टेम्पल। यहाँ पे देखिए कितने सारे पक्षियाँ उड़ रहे हैं, आप इनको खाना भी खिला सकते हो। शायद आपको पता हो कि चिलिका लेक है, ये एक्चुअली इंडिया का द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इसको बोला जाता है। ब्रैकिश वाटर मतलब खरा पानी वाला है ये। तो यहाँ एक और चीज़ भी यहाँ पे खैसियत यहाँ का है, डल्फिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर अभी पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं, शायद मिल जाए या ना मिले, पर अभी पंछी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ थोड़ा सा, और भी आगे अगर कुछ मिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। ठंड के मौसम में साइबेरिया से पंछियाँ आती है यहाँ पे, कई तरह का पंछियाँ यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि इंडिया में मिलते नहीं है। तो पंचलिका में आपको विंटर के टाइम में आपको बहुत सारे पंछियाँ मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, इसीलिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बर्ड लवर यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, सिर्फ पंछी देखने के लिए चुका आते हैं। आधा घंटा सफ़र करने के बाद अभी हम लोग करीब पहुँचने वाले हैं, 2000 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। अभी बस हमें दिख रहा है वही सामने ही मंदिर है, चले जाइए रास्ता में ऐसा कुछ डल्फिन वगैरह नहीं मिला, क्योंकि इतना सारा बोट जा रहा है, इतना आवाज़ हो रहा है, डल्फिन तो आएंगे नहीं। पंछियाँ हैं थोड़े बहुत, और पर बोट भरे हुए हैं, जिस तरफ देखोगे उस तरफ आपको बोट ही बोट मिलेगा। पंछियाँ हैं, आप उनको खाना खिला सकते हो, वो आपके हाथ से आके खाना खा के जाएंगे। चलो चलते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं फिर। अभी लगभग हम पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का जो व्यू है यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो जैसे हमने पूछा तो भीड़ तो यहाँ पे था, पर सुबह के टाइम में था। अभी थोड़ा सा भीड़ कम है, हमारे लिए ये इजी रहेगा। चलो अभी यहाँ से तो इतना पता चल रहा है, दिख रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कितने ज़्यादा भीड़ है। न्यू ईयर के लिए तो हर जगह भीड़ ही भीड़ चल रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखिए पक्षियाँ, देखिए हमारे साथ एक और बोट भी यहाँ पे आ रहा है, उसमें भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पीछे बोट आ रहे हैं जा रहे हैं, बस चल ही रहे थे। फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कालीजाई टेम्पल के पास। अरे भाई मुझे तो लग रहा था यहाँ पे भीड़ है ही नहीं, पर अभी यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है।
यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा बोट लगा है ओडिशा विकास इको रिसोर्ट, यहाँ पे रिसोर्ट भी है। मुझे लग रहा है ये शायद फ्लोटिंग वाला होगा, एसी वाला है। भाई यार मस्त है यार। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आ रखे हैं, दूर से इतना पता नहीं चल रहा था, पर यहाँ से देखने से अब यहाँ पहुँचने के बाद पता चल रहा है कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे मैंने बताया था आपको टोटल 2 घंटे का इन लोगों का सफ़र हो रहा है यहाँ पे, आधा घंटा 40 मिनट करीब लाने में और 40 मिनट करीब उतना टाइम लगाते हैं ये लोग वापस लेके जाने में। जिसमें आओगे उसी में ही आपको वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पे वही आधा घंटा से 40 मिनट करीब आपको रुकना पड़ेगा। बस 2 घंटा टोटल, इतने में आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, इतना बड़ा एरिया नहीं है, बस मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर भी नहीं है पर है, फेमस है। तो बस चलो घूमते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं वहाँ का, उसके बाद फिर जाएंगे साथ में। ये जो है मंदिर का सामने वाला व्यू है, क्योंकि यहाँ पे फोटो शूट करना मना है, तो मैं पहले साइड का थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये दिया जलाने का जगह है, यहाँ कुछ छोटे बड़े दुकान हैं बस। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, फ़ोटो शूट मना है तो फोटो हम यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। मैं बस अभी मंदिर जा रहा हूँ फिर आगे। ये माँ कालीजाई का साइड व्यू है, साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोटो शूट मना है जैसे मैंने बोला आपको, तो यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो नहीं खींच नहीं सकते। अभी यहाँ की मैं इस साइड का दिखा रहा हूँ थोड़ा। ये यहाँ से भी देखिए बोट है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो एक अच्छा चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ चिलिका, यहाँ से कितने सारे बर्ड्स आते हैं कहीं दूर दूर से, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स है, बिल्कुल नए हैं मेरे लिए, तो बिल्कुल नए हैं ये सब, आते हैं चिलिका में। आप देख सकते हैं, अब पहचानना पता नहीं पहचान पाएंगे कि नहीं, मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, पर ये हैं यहाँ, मिल जाएंगे आपको देखें। फाइनली हमारा दर्शन हो गया, ख़त्म हो गया कालीजाई का ट्रिप। अभी माँ को दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए हम पंछियों को उनका जो चारा है वो डाल रहे हैं, वो लोग देखिए पास आके खा रहे हैं। ये देखिए वाह, हमारा कालीजाई टेंपल बोट ट्रिप अभी ख़त्म हो चुका है। हम लोग वहाँ से जाके वापस आ चुके हैं। अभी देखिए बोट से एक एक करके उतर रहे हैं, मैं उतर चुका हूँ। अभी काफ़ी सारा बोट यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, अभी तो शायद जाने का परमिशन नहीं होगा क्योंकि शाम होने वाला है। अभी जितने भी सारे लोग गए थे सब एक एक करके वापस सबके सब आ रहे हैं। हमारा हो गया, अब हम लोग जाएंगे घर। चलिए अब लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली आज का हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ है, अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।